तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे और आज के नए वीडियो में जिसमें आज हम रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को रिव्यू करने वाले हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको रुंगटा से रिलेटेड जो रुंगटा कॉलेज है, जो ग्रुप्स है रुंगटा कॉलेज के, ग्रुप्स के अंदर जितने कॉलेज रहते हैं उनके बारे में एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और ऐसे ही मैंने छत्तीसगढ़ के कई सारे कॉलेज का रिव्यू कर दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर उनके वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ में एक 5 वीडियोज़ की जीसी की सीरीज़ आ चुकी है मेरे चैनल में, जिसको आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको जो जीईसी का सिनेरियो छत्तीसगढ़ में अच्छे से पता चल जाता है। अब इस वीडियो के जो कंटेंट है वो सारे जो मेरे एनालिसिस है, साथ में जो मेरे फ्रेंड्स की पर्सनल एक्सपीरियंस है, साथ में जो एलमनीस हैं उनका मैंने रिव्यू लिया है, और जो रिव्यूज़ आपको करियर 360 या शिक्षा.com में देखने को मिलते हैं उनको भी मैंने पढ़ा है। तो मतलब मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स हैं इस वीडियो के या इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं वो उन्हीं से लिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। साथ में लास्ट में इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद आप मेरे इस वीडियो के स्टेट्स को लेकर एक बार खुद भी रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो अब इस वीडियो में सबसे पहले हम देख लेते हैं NIRF रैंकिंग इस कॉलेज की। तो जो 75 to 100 के जो बैंड है उसमें इस कॉलेज का जो NIRF है वो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कॉलेज आपको बोल रही है। दैट मीन्स आपको ऑफिशियल साइट में ऐसा देखने को मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आप संकरा के साइट में जाते हैं तो उन्होंने अपना रैंक जो दिया है वो 1000 के पार दिया है, ठीक है, 1000 कॉलेज के पार दिया है, जो कि मुझे सही भी लगता है। जबकि ये जो कॉलेज है वो संकरा के बाद रैंक करने वाली है, बिकॉज उनकी फैसिलिटीज़ इस कॉलेज से आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। दैट्स वाई मुझे ये, मैं इस रैंक से सेटिस्फाई नहीं हूँ। कॉलेज चेन अगर आपको देखने को मिलेगा तो मुझे इस कॉलेज चेन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉलेज में, इस मतलब इस कॉलेज के जो ग्रुप्स में काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो कॉलेज का जो ग्रुप है वो सबसे पहले 1999 में बना था, उसके बाद जो दो भाई हैं संतोष रुंगटा और संजय रुंगटा, इन्होंने अपने कॉलेज के जो कैंपस हैं उनको अलग कर लिया, साथ में बंटवारा हो गया आप मानकर चलिए, उनको उनके कॉलेज के बंटवारे के टाइम जो कॉलेजेस मिले उसमें जो संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है इसको R1 बोला जाता है और संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को R2 बोला जाता है। अब जो R1 है उसके अंदर 3 कॉलेज आते हैं और R2 के अंदर 2 कॉलेज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि इतने सारे कॉलेज इन्होंने बनाया है पर जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको जो कैंपस है वो सेम देखने को मिलेगा, लेकिन कॉलेज के प्रोफाइल अलग अलग देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको अगर आप भिलाई जाते हैं तो आप RCET भिलाई, REC भिलाई के जो कैंपस हैं उसको एक साथ देखेंगे। आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जो REC है वो एक बिल्डिंग है जिसको एक नया नाम दे दिया गया है, एक नया कॉलेज बना दिया गया है। और वैसे संजय रुंगटा ग्रुप के जो प्रीमाइसिस है उसमें RSR, RCET और GD रुंगटा आता है, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक बिल्डिंग है जिसको नए नए प्रोफाइल्स दे दिए गए हैं और कॉलेज के नाम पर बांट दिया गया है। इनके कॉलेज कोड भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो बच्चे जो काउंसलिंग कराते हैं वहाँ पर उनको एक दिक्कत होता है कि वो गलती से RCET भिलाई की जगह REC भिलाई या RSR भिलाई का कोड डाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने R1 में ही अप्लाई किया है, पर एक्चुअली वो R2 में भी अप्लाई कर देते हैं गलती के कारण। तो उनको बाद में जाकर ये समझ आता है कि उन्होंने गलत कॉलेज चूज़ कर लिया है। दैट्स वाई मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, एटलीस्ट जितने वे कोड डालते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बेस्ट कॉलेज RCET भिलाई R1 के अंदर का कॉलेज देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, तो मैं आप सबको अभी बता दूँ कि RCET भिलाई के जो संतोष रुंगटा ग्रुप जो R1 ग्रुप है उसके अंदर आता है, उसी में RCET रायपुर भी आता है, उसी ग्रुप का एक कॉलेज है जो आपको रायपुर में देखने को मिलेगा, और REC भिलाई जो RCET भिलाई के कैंपस के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलता है। और जो संजय रुंगटा ग्रुप की अब बात करें तो इसमें भी 2 कॉलेज आते हैं, RSR RCET और GD रुंगटा। तो जो RSR RCET है और GD रुंगटा का जो कैंपस है वो आपको जस्ट R1 के प्रीमाइसिस के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक बाउंड्री बना दी गई है जिसके थ्रू इन्होंने दोनों कॉलेज को अभी अलग अलग करके रखा है। तो इनका जो आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा वो भी 120 एकड़ का ही देखने को मिलता है। इसमें जो GD रुंगटा है वो अब बंद हो चुका है, और बंद होने का मतलब है कि GD रुंगटा और RSR RCET को मर्ज कर दिया गया है। और मैं तो इस वीडियो के थ्रू जो रुंगटा की अगर अथॉरिटी इस वीडियो को देखती तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी आपको कॉलेज अलग अलग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर उन सब कॉलेज को मर्ज करिए, क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आर वन को ही एक रखें और आर टू को एक रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये आपके लिए ही एक घाटे का सौदा होने वाला है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो रुंगटा जो कॉलेज है वो आपको जो भिलाई का जो सेंट्रल एरिया है वहाँ आपको देखने को मिलता है। इस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था 1999 में हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो एड्रेस आपको एग्जैक्ट एड्रेस ये तो वो है आपका कुरुद रोड कोहका भिलाई छत्तीसगढ़, और जो पिन कोड है आपको 490024 देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कॉलेज में, तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, बिकॉज ये 120 एकर्स में फैला हुआ है, सॉरी यहाँ पर मैंने 190 लिख दिया है लेकिन वो 120 एकर्स है। अब उस 120 एकर्स में आपको तीन कॉलेज तो ऑलरेडी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं आर वन की बात करूँ। हाँ, अब मैं आप सभी को एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आर वन की ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आर टू को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, उसके बीच बीच में पॉइंट्स मैं कुछ कवर कर दूंगा आर वन के कंपेरिजन के साथ, या उसके कंपेरेटिवली वो कैसा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज मैं उसके लिए स्पेसिफिक कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, या स्पेसिफिक उसी को मैं आज जज नहीं करने वाला। मैं आर वन को यहाँ पर अभी आर वन के फीचर्स या फैसिलिटीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 120 एकड़ में आपको तीन कॉलेज देखने को मिलते हैं, एक है RCET भिलाई, एक जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा REC, और एक जो आपको कॉलेज देखने को मिलेगा वो रुंगटा का ही एक फार्मेसी कॉलेज देखने को मिलता है। तो इस 120 एकर्स में आप R1 में ही जो कैंपस देखेंगे, जैसे जो REC का बिल्डिंग है उसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर सेक्टर के जो ब्रांचेस हैं जैसे कि CSE, IT, ET&T वो आपको देखने को मिलते हैं, बाकी जो RCET भिलाई है उस कॉलेज में आपको कोर ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप R1 में जाते हैं और R1 के अंदर भी आते हैं RCET और REC। दैट मीन्स कि अगर आप REC में जाकर एडमिशन लेते हैं तो आपको बीच बीच में जो R1 के बच्चों के साथ बैठाया जाएगा या उनके साथ क्लास शेयर करवाया जाएगा। अभी ऐसा क्यों करवाती है जो रुंगटा की अथॉरिटी है वो मुझे नहीं पता, पर इससे फ़ायदा भी मिलता है और एक घाटा भी होता है। जैसे कि आपको टीचर्स अलग अलग दे दिए गए हैं पर फिर भी वो कंबाइन करके बैठाते हैं, इससे फ़ायदा ही जनरली होता है क्योंकि कंपटीशन एक ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो। तो अगर आपको इस कॉलेज में आना है तो आपको यहाँ क्लियर करना होगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। R1 में लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेजेंटली द इंस्टीट्यूट इज बींग रन इन द टू बिल्डिंग्स RCET भिलाई और REC भिलाई कुरुद। तो यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जो वाईफाई की फैसिलिटीज़ है, जो कैंटीन फैसिलिटीज़ है, वो सारी आपको कैंपस के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है। साथ में जो नेसेसरी थिंग्स होते हैं जैसे जस्ट लाइक एक आपको जेरोक्स के लिए शॉप जाना पड़ेगा या एक छोटा कैफ़े देखने को मिलेगा, वो सारे कैंपस के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। साथ में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है जहाँ सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको कंडक्ट कराया जाता है। तो वो एक ऑडिटोरियम आपको सेंटर में देखने को मिलेगा आपके कॉलेज कैंपस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं वो भी काफ़ी हाइजीनिक आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने मतलब हॉस्टल का जो फ़ी है वो भी काफ़ी वो चार्ज करते हैं, आपको 70,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जो आपको कैंपस देखने को मिलेगा हॉस्टल का या हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। वहाँ पर सैनिटाइजेशन का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है, लेड बाथ आपको दे दिया जाता है हर रूम में, साथ में जो सफाई भी होती है वो आपको डेली देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा सा माहौल देखने को मिलता है। साथ में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बारे में हम स्पेसिफिकली उस टॉपिक्स में बात करने वाले हैं। अब अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट फैसिलिटी में आपको एक कॉलेज एक एवरेज सा कॉलेज देखने को मिलता है। एवरेज का मतलब आप बिलो एवरेज मत बोलिए, अबव एवरेज बोलिए, क्योंकि इस कॉलेज के थ्रू काफ़ी सारे जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें कॉलेज पार्टिसिपेट करती है। साथ में एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलता है, साथ में जो कॉलेज के कैंपस के अंदर जो फील्ड हैं वो भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो एक कन्वेंशनल फील्ड आप उसको नहीं बोल सकते या स्टेडियम नहीं बोल सकते क्योंकि बैरिकेड्स नहीं लगाए जाते हैं, वो एक जनरल एक फील्ड है जहां पर बहुत सारे गेम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जस्ट लाइक क्रिकेट आपको वॉलीबॉल वो सारे गेम्स कंडक्ट होते हुए दिखेंगे, लेकिन बास्केटबॉल का स्पेसिफिक कोर्ट आपको देखने को मिलता है। साथ में जो इंडोर्स गेम्स होते हैं कैरम तो फिर बैडमिंटन, इनके लिए भी कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जो फैसिलिटी आपको स्पोर्ट्स के लिए एटलीस्ट देखने को मिलेगी वो अच्छी एक देखने को मिलती है। बाकी एनुअल एक
स्पोर्ट्स मीट भी होता है और जो मंथली गेम्स होते हैं वो भी अलग से कंडक्ट कराए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो आपको मैं जनरली बीटेक का ही बताऊंगा। इस कॉलेज में काफ़ी सारे कोर्स अवेलेबल हैं, एमबीए तो फिर फार्मेसी, पर मैं बीटेक की बात करूंगा। तो बीटेक ब्रांचेस कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो मैंने सीटिंग भी बता दी है, उस स्पेसिफिक सीटिंग के अनुसार आप देख सकते हैं कि कितने ब्रांचेस से कितने आपको सीट अवेलेबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें टीचर्स और फैकल्टीज की, तो हाँ यहाँ पर आपको एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है कि टीचर्स यहाँ के जो हैं वो सारे टीचर्स, आपको 80% टीचर्स जो कोर के ब्रांचेस के देखने को मिलेंगे वो परमानेंट देखने को मिलते हैं। साथ में जो बाकी के टीचर्स हैं नॉन कोर के लिए, वो 70% आपको देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ का जो रिजल्ट है वो खासकर सीएससी आईटी वाले ब्रांचेस के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जो एवरेज रिजल्ट है वो आपको 75% से ऊपर ही देखने को मिलता है, जो बहुत सारे बच्चे सीएससी आईटी या ईटीएनटी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अब जितने भी आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे वो आपको एमटेक या पीएचडी या मतलब एक अच्छे एजुकेशन के साथ देखने को मिलते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छे जगह से, रेपुटेटेड जगह से अपनी पढ़ाई करके यहाँ आते हैं, जैसे लाइक आईआईटीस या एनआईटीस। तो उनको एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, दैट्स वाई वो एक अच्छे तरीके से आपको नॉलेज भी दे पाते हैं। पर जो टीचर्स आपको एडहॉक बेसिस में देखने को मिलते हैं वो आपको बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते। वो बच्चे कौन होते हैं जो इस कॉलेज से निकल कर बाहर जाते हैं, या जो जिन बच्चों के यहाँ रिक्रूटमेंट किया जाता है एटलीस्ट एडहॉक के पोस्ट के लिए, वो बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब अगर हम स्पेसिफिकली फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो फीस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो जो ट्यूशन फी पर ईयर आपको देखने को मिलता है वो अप्रोक्स 76,500 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ ट्यूशन फी है, कुछ फीस जो आपको कंपलसरी फर्स्ट ईयर के लगने वाले हैं, जो 2 से 2,500 वो अलग से आपको देने पड़ेंगे। आपको एडमिशन के टाइम वहाँ पर जाके इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाने वाली है। तो आपको 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा लगने वाला है। कुछ कुछ कंपलसरी चीज़ें होती है, जैसे लाइक ब्लेजर, तो फिर शर्ट, तो उनके लिए आपको शायद फ़ी एक्स्ट्रा देना पड़े। अब यहाँ पर हम पर ईयर की बात करें तो आपको 76,500 देना पड़ेगा, जो आपका टोटल पड़ जाता है आपको पूरे 4 साल के लिए 3,06,000 देना पड़ेगा। अब लेटरल एंट्री वालों के लिए 1 साल का फीस आप कम कर दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना देना पड़ेगा। अब अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अप्रॉक्स 70,000 आपको यहाँ पर का फीस जो देखने को मिलता है पर एनम ना, मतलब ईयरली आपको 70,000 देना है। फिर उसी के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, जस्ट लाइक मैथ्स, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी 24/7, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, यह सब आपको मिल जाता है। पर उस पैसे के हिसाब से आपको जो फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। पर यहाँ पर कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको मतलब जो रूम्स देखने को मिलते हैं वो आपको 3+4 के शेयरिंग में देखने को मिलेंगे, या 2 भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3+2 रहे। और जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो आपको उस टाइम में पता चलेगी, जैसे कि आपको शेयर 2 शेयर करना है, 3 शेयर करना है, उतना टाइम आपको पता चल जाता है। साथ में हर कॉलेज, हर हॉस्टल के लिए अलग अलग सिक्योरिटी पर्सन जो वार्डन होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर हॉस्टल जो है वो सब के लिए मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे रेंट में रहना चाहते हैं बाहर जाकर पीजी में, तो वो जाकर रह सकते हैं। द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन हॉस्टल फीस। हाँ, अब यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपको फीमेल और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर करते हैं तो। साथ में जो एसटीएससी कोटा होता है, जो आपको कोटा अलग से जो देखने को मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर साथ में जो कोटा अलग से आपको देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जो कि है मोड ऑफ एडमिशन, एग्जाम्स कट ऑफ और एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना पड़ता। आप 12th जो करते हैं वो PCM से करिए, और आपका जो ओवर परसेंटेज आता है वो जनरल के लिए 45 और जो एसटीएससी के लिए अप्रॉक्स 40% रहना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। जो एज लिमिट है वो आपका 30 ईयर्स फॉर जनरल, 33 फॉर दी अदर्स रहने वाला है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मोस्टली इस कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो CGPT का
एंट्रेंस एग्जाम दिला के आते हैं, जेई मेंस भी यहाँ पर आप दिलाकर आ सकते हैं, पर जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो उसके सीजीपीटी के थ्रू ही आते हैं। और जो ऑल इंडिया कोटा है वो भी अप्लीकेबल है, और छत्तीसगढ़ का जो कोटा है वो भी अप्लीकेबल है। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं अगर उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं तो उनके लिए भी अलग से जो सीट्स हैं रिजर्व करके रखी जाती है। दैट मीन्स उनके लिए सीट्स अवेलेबल होने वाले हैं। इवन इसमें जो आपको एडमिशन क्राइटेरिया जो देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ डिफरेंस आपको रियल लाइफ में कई जगह देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए शायद ये रिक्वायरमेंट्स भी शायद कुछ अगर आप मैनेजमेंट से जाकर बात करते हैं तो शायद चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत शायद आपको कंपनसेशन भी इन चीज़ों में मिल सकता है। मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, आपको अथॉरिटी से जाकर बात करनी पड़ेगी फिर आपको कंफर्म हो पाएगा। अब लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री का भी जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है, बस वो जो बच्चे हैं वो CGDTE के नॉर्म्स को पर्टिकुलर फॉलो करने वाले होने चाहिए। दैट मीन्स वो जो कॉलेज से पढ़ाई करते हैं वो AICTE के अंदर आना चाहिए, और उनका जो ओवरऑल मार्क है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, देन वो अप्लाई कर पाएंगे, वो इस कॉलेज के लिए मतलब काउंसलिंग में डाल पाएंगे, फिर उनको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। बाकी कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं रहता, इस कॉलेज में आप एडमिशन आसानी से ले पाएंगे। आपको जो एडमिशन होगा वो आपको जो एडमिशन है वो सेकंड ईयर से होगा। देन आपको कुछ एग्ज़ाम्स यहाँ पर दिलाने पड़ेंगे जो आपको रेगुलर दिलाने पड़ते ही हैं, पर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट वाले कॉलेज में ज़्यादा अप्लाई की जाती है। अगर आप प्राइवेट वाले कॉलेज में रह जाते हैं जैसा कि एग्जाम्पल ले रुकटा का, तो हो सकता है आपको इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करना पड़े, आप अथॉरिटीज जाकर बात करिए, हो सकता है वो आपको एडमिशन बिना इन सारे रिक्वायरमेंट्स के भी दे सकें। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफिकली इस कॉलेज में के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस कॉलेज में एक बार अथॉरिटी से बात कर लेनी चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब रिजर्वेशन की देखिए बात करें यहाँ पर, तो आपको ST SC OBC और जो बाकी जो रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं एक्स आर्मी के लिए या PWD के लिए, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स आपको मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिल पाया कि ST SC के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, पर मैं ये बता सकता हूँ कि जो 50% है वो अनरिजर्व आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप मानकर चलिए कि जो 40% सीट आपको रिजर्व देखने को मिलने वाले हैं इन सारे कैटेगरीज के बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉफिटेबल पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इन सब के अलावा जो मैंने 40% बोला वो इन सारे कैटेगरीज के लिए भरा होगा, पर बाकी 10% हो सकता है PWD और एक्स आर्मी स्टूडेंट्स के लिए भी देखने को मिले। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहने वाले हैं वो मैं बता दूँ आपको, इनकम सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर आपने गैप लिया है तो माइग्रेशन, आधार कार्ड, 10+2 का मार्कशीट और स्कोर कार्ड, PET JEE मेंस का स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम अब कट ऑफ की बात करें तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैं अगर आपको कट ऑफ बताऊँ तो कट ऑफ आप इजिली नेट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको इजिली मिल जाएगा, किसी भी साइट में मिल जाएगा, जैसे कि शिक्षा या करियर 360। पर एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल में बातें होती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि अगर आप कट ऑफ, जैसे कि हमने देखा कि CSIT के लिए जा रहा है 1000 कट ऑफ, ठीक है, स्पेसिफिकली R1 की बात करें तो हो सकता है अगर आप मैनेजमेंट से जाकर बात करें और लास्ट में जैसे कि जो स्पॉट राउंड होता है उसमें अगर बच्चे ना लें तो आपको आसानी से सीट मिल जाएंगी। जैसे कि मैनेजमेंट कोटा जो होता है उसमें भी आपको सीट मिल सकता है, अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो होते हैं अथॉरिटी जो होती है वो कैसे करती है, अगर आपका 120 सीट है और अगर आपने वहाँ पर जाकर अप्लाई किया और उनको अगर आपको लेना रहा तो वो क्या करेंगे, अपने सीट को जैसे 20 लोगों ने अप्लाई किया तो उनका जो सीट कैपेसिटी है उसको 140 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो टीचर्स अवेलेबल हैं तो उनको वो 140 कर देंगे, और देन जो नेक्स्ट ईयर आपको उस कॉलेज में जो सीट अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी वो फिर 140 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम भी होता है, दैट मीन्स आप अगर इस कॉलेज में जाते हैं, जैसे कि बहुत बच्चे अभी शायद अवेयर हो गए हैं या आप बोल लीजिए कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते इंजीनियरिंग करने में, इसलिए हो सकता है ऐसा, वरना पहले जो कॉलेज की सीटें थी पूरी तरह से भर जाती थी, फिर अभी नहीं भर पा रही है। तो ये ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि अगर आप बाद में जाकर एडमिशन लेते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट वो शायद आपको एडमिशन दे दें अपने कॉलेज में, तो ये भी एक काफ़ी अजब अलग सा चीज़ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और मैनेजमेंट कोटा तो वैसे अवेलेबल रहता ही है।
स्कॉलरशिप की स्पेसिफिकली बात करें तो स्कॉलरशिप अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ओबीसी के बच्चों को 21,000 पर ईयर मतलब नॉन क्रीमी लेयर और जो एसटीएससी के बच्चे हैं उनको 24,000 पर ईयर देखने को मिल जाता है स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप की बात करें। और जनरल जो होते हैं वो एलिजिबल वैसे भी नहीं रहते। हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनको शायद कुछ अलाउंस मिल जाए पर वैसे देखने को नहीं मिलते जनरल वालों के लिए। और साथ में ब्रांच टॉपर जो है उसको काफ़ी सारे फील अलाउंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो ब्रांच टॉपर। हाँ, अब मैं आपको ब्रांच टॉपर की जब मैंने बात की तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं तो आप बैकलॉग पहली बात तो ना लगाइए, साथ में आप 65-70% का जो एवरेज है उसको कंटिन्यू बना के रखिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, अब जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको कई सारे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आपका जो R1 जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है रूल्स के मामले में तो वहाँ आपको अटेंडेंस जैसे कि 80% रखना है सपोज दैट, तो आपको 75% में भी आपका काम चल जाएगा या आपको 60% में भी आपका काम चल जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको टीचर असेसमेंट भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा अगर आप ब्रांच टॉपर हैं तो दैट्स वाई आप अगर अपने स्कोर को बनाए रखते हैं तो आपको इसका कई सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये मेरा एक टिप है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिलता तो फिर उसका कोई मतलब रहने वाला नहीं है यहाँ पर। तो आपको पैसे के हिसाब से एक्टिविटीज़ सही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टेक फेस्ट भी कराए जाते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर फेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर मंथली एनुअली भी ध्यान दिया जाता है। टीचर सॉफ्ट स्किल की क्लास लेते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आपका स्टार्टअप एटमोसफियर मैं बता दूँ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑलमोस्ट 9 के बराबर है। स्टार्टअप्स बहुत सारे आपको स्टूडेंट्स आपको देखने को यहाँ से नहीं मिलने वाले, पर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल का क्लास फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए लगता ही लगता है, जो काफ़ी सारे अच्छे टीचर बुलाए जाते हैं कॉलेज में वो सॉफ्ट स्किल का क्लास लेते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। एनुअल स्पोर्ट मीट भी होता है, कार्पे डियम नाम का एक मंथली प्रोग्राम होता है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को लोगों के सामने रख सकते हैं, उनको अपने एक प्रतिभा का प्रसार कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मंथली। कॉलेज क्लब्स भी हैं, वर्कशॉप भी होता है, बहुत सारी जो टेक नॉन टेक कंपनीज हैं वो विजिट करती हैं, वर्कशॉप करती हैं, वहाँ आपको एक्सपीरियंसेस अपना शेयर करती हैं। टेक फेस्ट भी होता है व्योम नाम का, वहाँ टेडएक्स भी आपको देखने को मिलेगा, अनुराग बसु जी आए थे वहाँ पर कुछ साल पहले। थीम फुल फेस्ट होता है, दैट मीन्स अगर आप वहाँ पर टेक फेस्ट में अटेंड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट 2-3 साल पहले का मेरे फ्रेंड ने जिस तरीके से बताया हैरी पॉटर का एक थीम था, तो आपको थीम फुल टेक फेस्ट देखने को मिलते हैं। यू कैन फाइंड प्रेस रिलीज ऑन ऑफिशियल साइट, दैट मीन्स आप प्रेस रिलीज भी देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने किया है। CATV का कॉन्वोकेशन भी होता है, सच हुए सपने एक प्रोग्राम का नाम है जहां आपको नए नए एक्सपोजर देखने को मिलेंगे, मतलब आप नए नए जैसे कि कुछ अगर आप टैलेंट वहां दिखाना चाहते हैं या आप कॉलेज के थ्रू कुछ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो वहां भी आपको नए नए इनोवेशन देखने को मिलेंगे। कोशिश, अलविदा, शास्त्रार्थ, इंडस्ट्रियल टूर भी कराते हैं, उन्नयन क्षितिज नाम का करियर काउंसलिंग गाइडेंस एक शो भी होता है, आगाज भी होता है, मैराथन, रेडियो जिंगल, इस टाइप के मतलब आपको मान के चलिए कि आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो अगर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा इस कॉलेज के लिए वो आपको काफ़ी सही देखने को मिलता है। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं इस कॉलेज में जाकर तो आपको ये कॉलेज काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप इंजॉय करेंगे तो वहाँ तो अगर आपको इंजॉय करना है तो अगर आपको इंजॉय करना है कॉलेज जाकर, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा एटमोसफियर मिले जहां आप एक्सपोजर ले सकें, इंजॉय कर सकें, आपको कॉलेज का एटमोसफियर मिल सके टेक कॉलेज का, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन एक दिक्कत यहां पर छत्तीसगढ़ के सारे कॉलेजेस में है कि जितने भी कॉलेजेस होते हैं छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिकल नॉलेज की यहां पर कमी देखने को मिलती है, तो उस मामले में ये टेक कॉलेज की तरह आपको फील नहीं होता अगर आप देखें इस एस्पेक्ट को रख कर सामने तो, अदरवाइज ये कॉलेज आपको सही अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब स्पेसिफिकली अगर हम प्लेसमेंट की बात करें या एलमनी मीट की बात करें तो एलमनी इसके साथ जो आपका कनेक्शन है वो इस कॉलेज में काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, पर लेकिन ये कॉलेज कंडक्ट कराती है एलमनी मीट, वो भी बहुत कम। ऑल्सो रिलेशन बिटवीन ऑन गोइंग स्टूडेंट्स एंड एलमनीज आर नॉट वेरी गुड, दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका जो एलमनीज के साथ इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम है, और उसका पूरा जवाबदारी कॉलेज का ही रहने वाला है क्योंकि कॉलेज वाले कंडक्ट करेंगे प्रोग्राम, तभी तो वो बच्चे मिल पाएंगे उनसे।
दैट्स वाई मैं बोलना चाहूँगा कि वो वाला एटमोसफियर एलमनी के साथ बच्चों का इंटरेक्शन यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है, इवन छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में ही कम देखने को मिलता है। फॉर कोर द सैलरी ऑफर्ड बाई कंपनीज आर वेरी लो। अब यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें स्पेशली, तो प्लेसमेंट में आपको जो कंपनीज की सैलरी है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, यहाँ पर एक दिक्कत देखने को मिलेगा। हाँ, ये कोर के लिए ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम है, पर नॉन कोर के लिए भी ये देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट सेल यहाँ पर बनाया गया है साथ में 2019-20 का और 2020-21 का। आप यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी ने यहाँ विजिट किया था तो आप देख सकते हैं 2019-20 में TCS, मदरसन, LG, विप्रो, टॉपर, मोनोक्रेसेट, SGS, पिन क्लिक, इन सारी कंपनीज ने यहाँ विजिट किया था। साथ में 2020-21 के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंपनीज है वो GS Labs, Daffodils, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी कंपनीज आई थी। बस यहाँ पर एक दिक्कत मेरे को ये देखने को मिला कि आपको ऑफिशियल साइट में यहाँ पर मुझे तो एटलीस्ट जो बच्चे हैं कौन कौन बच्चे हुए हैं उनका नाम क्या है इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिल पाया, बस बाकी ये पता चल पाएगा कि इतनी कंपनीज आई हैं। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक यहाँ पर नॉलेज मुझे ऑफिशियल साइट में नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पाया। बाकी मुझे लगता है कि अगर इतनी सारी कंपनियाँ आई है, ऑलमोस्ट 20 कंपनियाँ हैं 2020-21 के लिए, तो 20 कंपनियाँ आई हैं, अब पर कंपनी आप मान के चले कि उन्होंने दो दो बच्चों को भी उठाया है, तो एटलीस्ट 40 से 50 बच्चे, मैंने दो एक एवरेज लेके लिया है, किसी में तीन भी हो गए, तो उस हिसाब से देखें तो 50 बच्चों का प्लेसमेंट तो आप मान के चलिए ही चलिए। तो 50 से अगर 100 बच्चों का हो जाता है, 50 के बाद 100 बच्चों का हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लेसमेंट में ये कॉलेज CSE IT वालों के लिए सही है, बाकी जो कोर ब्रांचेस हैं वो नहीं लेते हैं प्लेसमेंट। उसका एक दिक्कत यहाँ पर एक और है कि जो कंपनीज आती हैं और जो बच्चों के बीच में जो जागरूकता है वो कम है। कैसे कि जो कंपनीज आती हैं वो बच्चों को कम सैलरी ऑफर करती हैं और बच्चे चाहते हैं कि अगर वो कोर से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जाकर एक उसी जगह पर, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसी जगह पर आप जाकर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर ले, एक साल का जो AEJEE का जो कोचिंग होता है उसको कर ले, देन आप एग्जाम के थ्रू एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर पाए। तो PSUs का आना ज़्यादा यहाँ होता नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस से आती हैं तो बच्चे एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करती है, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। अगर आपको पैसे का अभाव नहीं है तुरंत, अगर आप पैसा तुरंत नहीं चाहते तो फिर मैं भी आपको प्रीफर करूँगा कि आप जाइए और एक अच्छे कंपनी के लिए तैयारी करिए, PSU के लिए तैयारी करिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप जैसे ही इस कंपनीज में जाते हैं आपको वहाँ पर एक बॉन्ड साइन करा दिया जाएगा, बॉन्ड साइन कराने के बाद आपका जो सैलरी रहेगा वो 20,000 के आसपास करेगा। अब 20,000 आपको देंगे, 12-12 घंटा काम कराएंगे तो फिर आपको वहाँ पर पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हैं तो बाकी CSE IT के लिए सही प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब एडवांटेज स्पेसिफिक देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है, आपको कॉलेज प्रीमाइसिस के अंदर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती है, प्लेसमेंट भी अच्छा है ITCS के लिए, नॉन कोर के लिए, कोर के लिए नहीं, बेटर कनेक्टिविटी है, एटमोसफियर है, दैट मीन्स आप आसानी से कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, कोई भी सामान चाहिए तो आप आसानी से सेंट्रल भिलाई में जाकर ले सकते हैं उसको, वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा आपको, मार्केट 6-10 किलोमीटर के आस के अंदर ही देखने को मिलेगा। फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं, एटलीस्ट फॉर दी कोर ब्रांचेस फैकल्टी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी, लाइब्रेरी भी बहुत बड़ा है, 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है लाइब्रेरी, दैट मीन्स आपको बुक भी बहुत सारी मिलेंगी, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की मिलेंगी, तो वहाँ पर आप जाके आराम से इसका मज़ा उठा सकते हैं। बुक पढ़ने वाले अगर आप बच्चे हैं तो बिल्कुल मज़ा आता है बुक पढ़ने में, तो आप वहाँ पर जाके बुक पढ़ सकते हैं। नियर बाई सिटी और होम इफ़ यू आर लोकल, मतलब अगर आप लोकल हैं वहाँ के तो ये एक अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, अगर आप भिलाई के लोकल हैं, रायपुर के लोकल हैं तो आपको ये कॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, अगर आप पास में रहकर पढ़ना चाहते हैं, घर से अप डाउन करना चाहते हैं तो। अब डिसएडवांटेज यहाँ पर, जब मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि आप डिसएडवांटेज बताओ इस कॉलेज के लिए, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया मुझे कि अगर एक बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहता है, अगर वो एक मतलब एक कोर या आप बोल सकिए एक टैकी बंदा है तो इस कॉलेज में एडमिशन ना ले। वो बच्चा मेरे फ्रेंड ने सबसे पहले मुझे बोला कि अगर आपको IIT NIT मिलता है तो आप इंजीनियरिंग करिए, अगर आपको नहीं मिलता तो आप को एक बार सोचना पड़ेगा, आप एनालिसिस करिए, आप कॉलेज चूज करने के लिए एटलीस्ट 10 दिन लीजिए। उसके कहने का मतलब था कि आप ले सकते हैं पर ब्रांच अच्छा चूज करिएगा, क्योंकि अगर आप IIT NIT में जाते हैं तो आपको कोई भी ब्रांच चल जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर एक अच्छा ब्रांच भी चूज करना पड़ेगा उस कॉलेज के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें CS और IT आपको देखने को मिलता है।
अब हियर बुकीज नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल बाय द अथॉरिटी, दैट मींस वही मैंने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज कम बुकीज नॉलेज ज्यादा दिया जाएगा, जो एक अच्छी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। दे आर मनी मेकर्स, दैट मीन्स आपको हर चीजों के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए पैसा यहां पर मंगा जा सकता है। अब आती है बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आर नॉट गुड फॉर दी कोर ब्रांचेस, ठीक है, टीचर्स अच्छे मिलते हैं लेकिन प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको एक डिग्री ही चाहिए तो आप कर आकर, अगर आपको डिग्री ही चाहिए तो आप इस कॉलेज में आकर ले जा सकते हैं डिग्री, और एक अच्छा आपको स्टडी भी देखने को मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं। डिग्री ओनली नो स्किल्स डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू मनी वी आर इन्वेस्टिंग, मतलब डिग्री ही मिलेगा आपको यहाँ पर, मतलब स्किल्स ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। एक्सपोजर है लेकिन मैंने वही बोला कि आपको एक कागजी नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज में, इस कॉलेज में कागजी नॉलेज को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, तो उस हिसाब से आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा सीखते हैं। नो एलुमनी इंटरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि एलुमनी के साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। अब मेरा कंक्लूजन क्या रहने वाला है, अगर आप छत्तीसगढ़ में पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पढ़ना आपकी प्रायोरिटी है तो आप सबसे पहले NIT, IIT और IIIT पर ट्राई करिए। आपको JEE मेंस के थ्रू जाना पड़ेगा, एडवांस के थ्रू जाना पड़ेगा, देन वो नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं पढ़ना है, मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेज पर वीडियो बना दिया है, वहाँ पर आप जाकर देखिए सिनेरियो कैसा है। आपको वहाँ भी नहीं पढ़ना है तो आप VIIT में जाकर देखिए, मतलब आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें मैं कॉलेज बोल रहा हूँ उसको रखिए। VIIT रुमटा 1 R1 ना, R2 नहीं, संकरा S1, OPJU रायगढ़, CSIT को भी आप रख सकते हो। इन कॉलेज को आप पहले लिस्ट में अपने रखिए, रिसर्च करिए, उसके बाद आपको जो सही लगे आप उसमें जाइए। बाकी सबके वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाने वाले हैं तो आप उस पर भी जा सकते हैं। साथ में मेरे इस वीडियो से आपको क्या मिलना चाहिए वो मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। इस कॉलेज पर आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो से मिल जाते हैं आपको। आप अगर नेट में जाकर ढूंढेंगे तो भी वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक कॉलेज में जाना है तो आप एक अच्छा रिसर्च करके जाइए ताकि आपको बाद में जाकर रिग्रेट ना हो। और छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस ऐसे हैं कि अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो प्लेसमेंट आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला। तो अगर आपने अब मेरे वीडियो को देख लिया है तो मैं आप सभी को एक और बात बोलूँगा कि आप खुद से जाकर भी एक बार रिसर्च करिए। मेरे ही जो स्टेट्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं, जो मेरे स्टैटिस्टिक्स रहने वाले हैं, जो मेरे बेंचमार्क मैंने जो सेट किया अपने वीडियोस के लिए, उन्हीं बेंचमार्क्स को पकड़िए, उन्हीं स्टैटिस्टिक्स को पकड़िए, उन्हीं पॉइंट्स को पकड़िए और उन्हीं पर चर्चा करिए। उन्हीं पर जाकर अपने उनके कॉलेज के एलुमनी से पूछिए, पर्सनल आप जाकर पूछिए, आप पर्सनली एक रिसर्च करिए, एटलीस्ट 2 दिन करिए एक कॉलेज को लेकर। तो उससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझ पर अंधा विश्वास नहीं करिएगा, हो सकता है मैंने कुछ गलती की होगी, मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, तो मुझ पर अंधा विश्वास नहीं करिएगा। तो इस कॉलेज पर जाके खुद से रिसर्च करिए, जैसे कि मैंने रायगढ़ की एक वीडियो बनाई है। अब उस रायगढ़ वाले वीडियो में मैंने माना कि रायगढ़ वाले वीडियो में OPGU की वीडियो में मैंने थोड़ा ज़्यादा उसका तारीफ किया है, लेकिन तारीफ करने का रीज़न भी था भाई, वो कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस है और ये सारी कॉलेज क्या है, CSTU के अंदर आती है। तो किसी भी कॉलेज में पढ़ने पर आपको पढ़ाई तो सेम मिलेगा, लेकिन OP जिंदल यूनिवर्सिटी में आपको अलग भी हो सकता है। साथ में वो कॉलेज जो है वो OP जिंदल जो सब्सिडरी है एक तरीके से मान लीजिए, वो एक उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो जो OP जिंदल है या जो JSW है वो भी आकर वहाँ पर हायर करती है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको उस कॉलेज में देखने को मिलेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने उसका तारीफ किया। लेकिन कुछ बच्चे वहाँ बोल रहे हैं कि आपने उस कॉलेज से पैसे लिए हैं, उस कॉलेज ने आपको पेड रिव्यू के लिए वीडियो बनवाया है। तो मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, मैं क्यों करूँगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी कॉलेज से कि वो कॉलेज मुझे पैसे देगी या नहीं। मैंने अपने तरीके से रिव्यू किया है, मैंने दो से एक एक हफ्ता का तक का टाइम लिया है एक एक वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में। तो मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, मेरे बातों पर अंधा विश्वास मत करिएगा। आप अपने से भी मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको जेन्युइन देखने को मिलेंगे, 99% आपको जेन्युइन देखने को मिलेंगे, लेकिन 1% हो सकता है मैं उससे चूक हो जाए, ठीक है। तो अंधा विश्वास नहीं करिएगा, आप अपने लेवल पर भी रिसर्च करिए, देन आपको जो कॉलेज सही लगे उस कॉलेज में आप जाइए। बाकी मैं आपको सबको एक और पॉइंट बोलूँगा कि कॉलेज में जाने से ही कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ाई A1 रखनी पड़ेगी, देन आपको कॉलेज में प्लेसमेंट एक अच्छा मिल पाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर कॉलेज को चूज़ करिए और ऑल दी बेस्ट। और मैं इस कॉलेज को रैंकिंग देता हूँ B+ की। आगे वाले वीडियोस में आपको संकरा और BIT के भी वीडियोस देखने को मिलेंगे आगे वाले आने वाले टाइम्स में। तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ में इस तरह के वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।